इंदौर में जिस महिला ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को भुट्टा खिलाया, वही महिला पिछले 20 दिनों से अंधेरे में रहने को मजबूर है। अपनी समस्या को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंची, जहां उन्होंने कलेक्टर को आवेदन सौंपा है। बीते माह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहे थे, जहां उन्होंने शहर के एरोड्रम क्षेत्र में एक महिला के ठेले पर भुट्टा खाया था। मुख्यमंत्री ने इस दौरान महिला से उसकी परेशानियों के बारे में भी पूछा था, तो महिला ने बिजली पानी आदि समस्याएं बताई थी। इस घटनाक्रम को करीब एक महीना बीत चुका है, वही तब से लगाकर अब तक मुख्यमंत्री को भुट्टा खिलाने वाली महिला कई परेशानियों से जूझ रही है। पीड़ित महिला सुमन पाटीदार का कहना है कि सीएम को भुट्टा खिलाने के बाद से ही उनके घर की लाइट काट दी गई है और तमाम तरह की परेशानियां उन पर टूट पड़ी। वह मंगलवार की जनसुनवाई में इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंची और जनसुनवाई में कार्यालय पहुंचने पर अपनी व्यथा बताई है। कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक महिला के मकान मालिक और उनके निजी मामले को लेकर लाइट काटी गई है। वही कलेक्टर ने महिला को सकारात्मक आश्वासन दिया है। कलेक्टर साहब जगह है कि साहब हर जब से सीएम साहब भुट्टा खाई न गया, उसका बाद जो सेवा करना को तो सब नगर निगम वाला आया था, मीडिया वाला भी आया था और पानी को दिन चल करने मंडे नगर निगम वाला थी। आज मेरा कैलाश बंद करवाई दियो और बोलता कि बोले तुम क्या यहाँ का निवासी, आज 35 साल से रह रहे बेटा, मारो आदमी नहीं रहे, मारो बेटो नहीं रहे हो और ये परेशान कर रहा। तुम जैन मंदिर का पीछे जाए देखो, पूरा कमरा इन्होंने बना, लेटरिन बाथरूम हर जगह सरकारी है। बगीचा का सामने मेन में रामचंद्र नगर। क्यों काटा आपकी लाइट? हमारा नाम सुनी तो बेटा काट गए और मीटर निकाल लेगा। आज 20-25 दिन से इतना आराम बच्चा बच्ची नकली पड़ी हूँ। बहुत महंगे पड़े बेटा। बोले करवाता हूँ। कब आए थे सीएम साहब आपके पास भुट्टा खाने? कलेक्टर साहब भी गए थे। भुट्टा खाने कब आए? अब तारीख तो नहीं मालूम बेटा, 20-25 तो हो जाएगा। जब क्या आश्वासन दिया गया था आपको? जब कि बोले बुआ जी तुम्हारा सब काम हो जाएगा, बोले सबको बुलाए और बुआ जी का काम करवा देना। नगर निगम वाला भी आया था, पार्षद से बोलते हैं तो बोले हाँ एक दो दिन में हो जाएगा। नगर निगम वाला से जाए ना बोला, बोले हाँ एक दो दिन में हो जाएगा। तो हम कहाँ जाओ बेटा, आज 20-25 दिन से अंधेरा में पूरा पूरा नकली पड़ी हूँ, ना व्यवस्था है हमारे पास लाइट की। अब आप क्या चाहते हैं? मगर लाइट और पानी चाहिए बेटा। आपका परिचय बता दो। सुमन पाटीदार, कहाँ रहते हैं? रामचंद्र नगर मेन में 35 साल से रहती हूँ बेटा। देखिए उनके दो, एक मकान मालिक और जिस घर में रह रहे हैं वहाँ पे मीटर से संबंधित विवाद है कि वो मीटर किसके नाम से लगना चाहिए। तो उनका एक पारिवारिक या फिर कहें कि मकान के विवाद से संबंधित वो चीज़ है जो जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही उसका निराकरण हो सकता है, जो सुलझाया जाएगा। इंदौर से मोहसिन खान की रिपोर्ट।